गंभीर परिस्थितियों का सामना कैसे करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हर बातचीत एक खुशनुमा बातचीत हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको किसी को कोई बुरी खबर भी देनी पड़ जाए। उस वक्त जाने अनजाने में कई बार ऐसा होता है कि हम उस तरह से व्यवहार नहीं करते जैसा सामने वाला व्यक्ति हमसे उम्मीद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी को बुरी खबर देनी हो और आप अगर ये खबर उस व्यक्ति को मुस्कुराते हुए दें तो अवश्य ही वो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। हमारी अगली तकनीक ये बताती है कि जब भी आप किसी को ये बोलें तो उस वक्त अपने मूड को डर के मारे उस खबर को सुनकर सामने वाले व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी, उस आधार पर अपने चेहरे के हाव भाव और अपना व्यवहार रखें। खराब परिस्थितियों की सूची में एक ऐसी स्थिति भी है जहां कोई आपको बार बार एक ही प्रकार का सवाल पूछकर परेशान करता है। ये सवाल ऐसा होता है जिसका आप जवाब देना नहीं चाहते। तो क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे आप इन सवालों का जवाब देने से बच सकें? ये एक सामान्य सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको बस इतना करना है कि जब भी कोई व्यक्ति से ऐसा सवाल पूछे तो आप उस व्यक्ति को कोई अनिश्चित सा जवाब दें। जब वो व्यक्ति एक स्पष्ट जवाब के लिए फिर से आपसे सवाल पूछे तो आप वही जवाब दोबारा दोहराएं। आपने राजनेताओं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ऐसे कई विवादास्पद सवालों के जवाब देते सुना हो। इस तरह सामने वाले व्यक्ति को भी चुप करा देते हैं। अब बात करते हैं हमारी अगली तकनीक की। आप अपने पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में सोचिए। अब ये उम्मीद कीजिए कि वो सेलिब्रिटीज़ आपके सामने खड़ा है, तब आप उनसे क्या बात करेंगे। आप ज़रूर नर्वस हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसी तकनीक भी है जिसे आप ये सीख सकते हैं कि जब कभी भी आप किसी सेलिब्रिटीज़ से मिलें तो उनसे कैसे बेहतरीन तरीके से बात करें। इस तकनीक में एक साधारण सा नियम शामिल है कि जब भी आप किसी प्रसिद्ध हस्ती से मिलें तो बार बार उनके काम की प्रशंसा ना करें, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसको सुनने को आदि हो चुके हैं। आप बस उतना कहिए कि आप उन्हें देखकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको उनके काम की तारीफ ही करनी है तो उनके न्यूनतम काम के बारे में बताएं, ना कि पुराने काम के बारे में जो उनके दिमाग में काफ़ी धुंधला हो चुका हो। इसके बाद एक और तकनीक है जो केवल एक छोटी सी सलाह है जो आपको हर वक्त याद रखनी है। हम जब भी किसी को थैंक यू बोलते हैं तो हम केवल थैंक यू बोलते हैं, लेकिन कभी भी सिर्फ थैंक यू ना बोलकर इसके साथ जिस कार्य के लिए आप शुक्रिया कहना चाहते हैं उसको भी जोड़ दें। उदाहरण के लिए, जैसे मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। इससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि आप उनकी मदद को स्वीकार कर रहे हैं और उनका वास्तव में शुक्रगुजार हैं। तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।